देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कॉबेट बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सपना बिस्ट। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम की घोषणा होने के बाद विधायक बंशीधर भगत के घर पर मिष्ठान वितरित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा था, जहां मुख्यमंत्री पद के लिए कई नाम सामने आ रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा को लेकर प्रदेश की जनता भी काफी उत्सुक दिखाई दे रही थी। इसी के चलते सोमवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम की घोषणा होने के बाद हल्द्वानी में बंशीधर भगत के घर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य विकास भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कार्यकाल में जिस तरह कार्य किया है, उसी को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर दोबारा भरोसा जताया है। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से समी आलम की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को आज उत्तराखंड का पुनः मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। इस अवसर पर आज यहाँ कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण किया और खुशी प्रकट की है, क्योंकि धामी जी के नेतृत्व में हमने विधानसभा चुनाव जीता है। तो सब कार्यकर्ताओं का यह मानना था कि पुष्कर सिंह धामी जी को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो और हाईकमान ने कार्यकर्ताओं की इस भावनाओं को समझा और माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को इस प्रदेश का नेतृत्व दिया। और मैं ये मानता हूँ कि जो हमारी पिछली सरकार थी, जो उसके कार्य हमारे पाइपलाइन पर लगे थे, धामी जी के पुनः मुख्यमंत्री बनने से उन कार्यों को बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ा सकते हैं और इस प्रदेश को हम विकास की राह पर हम और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। मैं यह कामना करता हूँ और इसके साथ ही साथ धामी जी को शुभकामनाएँ देता हूँ कि वो उत्तराखंड को एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ाएँ और आने वाले लोकसभा के अंदर हम इस प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएँ। पहले तो बहुत बहुत बधाई पुष्कर सिंह धामी जी को देते हैं, क्योंकि उनके ही नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड में एक जागृति आई थी, उसी के बेस पर हम एक बड़ी संख्या में जो है विधायक हमारे जीते हैं, 47 विधायक करीब। और हमें पूरी उम्मीद है धामी जी के नेतृत्व में यहाँ जो विकास के कार्य रुके हैं और होंगे और रोजगार के साधन बढ़ेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है।